हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको आपकी एक ऐसी आदत, एक ऐसी हैबिट से रूबरू कराएगी जो आपकी सक्सेस और ग्रोथ के रास्ते में हमेशा रुकावट बनती है। ये कहानी है 1935 की, जब लोग अपने गुलामों, अपनी लेबरों का लेन देन करते थे। एक बार की बात है, एक वेस्ट अफ्रीकन लेडी इसी लेन देन में अमेरिका चली जाती और वहाँ पे एक सैमुअल एश नाम के गवर्नर के पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह रह जाती है। एक दिन 1948 में उसका एक बेटा होता है जिसका नाम आर्थर एश होता है। वो एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही होशियार बच्चा रहता है। उसे टेनिस में बहुत रुचि रहती है, इसलिए वो अलग अलग टेनिस कोर्ट में जाता है और उधर के टेनिस कोचेस से मिलता है और कहता है कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग देंगे, क्या आप मुझे टेनिस सिखाएंगे। लेकिन हर कोच उसे मना कर देता है क्योंकि वो एक दूसरी जाति का बच्चा रहता है, इसलिए उसे कोई टेनिस नहीं सिखाता। लेकिन एक दिन उसे एक कोच मिल ही जाता है और वो उसको खूब अच्छे से टेनिस सिखाता है, कि खूब हेल्प करता है और वो बच्चा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अमेरिका की जीत जाता है और वो बड़ा होकर MBA की डिग्री हासिल करता है और आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन वो टेनिस खेलना नहीं छोड़ता और वह टेनिस को और प्रोफेशनल तरीके से खेलने लगता है और 1968 में वो US ओपन चैंपियनशिप भी जीतता है और फिर वो अगले साल ही US डेविस कप टीम की ओर से गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाता है। धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और 1970 में वो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में भी जीत जाता है। फिर एक दिन आता है 1975 में, वो एक ऐसी चैंपियनशिप जीतता है जो हर एक टेनिस प्लेयर का ड्रीम रहता है। वो विंबलडन चैंपियनशिप जीत जाता है और उसके बाद वह 1983 में रिटायर्ड हो जाता है और उसके कुछ समय बाद ही उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और जिसके कारण उसे बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। लेकिन बाईपास सर्जरी में कुछ गड़बड़ी होने के कारण उसे एड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण उसकी बहुत ही सीरियस हालत हो जाती है। एक दिन एक व्यक्ति आता है और आर्थर एश से पूछता है कि मिस्टर आर्थर एश, कभी आपने ये नहीं सोचा, ये नहीं बोला भगवान से कि भगवान मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया, मेरी क्या गलती थी कि मुझे ऐसी बीमारी लगी। इस सवाल का जवाब देते हुए आर्थर एश बोले कि इस दुनिया में 5 करोड़ बच्चों ने टेनिस खेलना शुरू किया था, जिसमें से 50 लाख लोग आगे बढ़े, उसमें से 5 लाख लोग टूर्नामेंट खेले थे जिसमें से मैं भी खेला, उसमें से 50,000 लोग प्रोफेशनल बने और मैं भी, उसमें से 5,000 लोग इंटरनेशनल मैच खेले जो मैंने भी खेला, उसमें से 500 लोग ग्रैंड स्लैम में गए उसमें मैं भी था, उसमें से 50 लोग विंबलडन खेले, उस 50 लोगों में से 4 लोग सेमीफाइनल पहुँचे और उन 4 लोगों में से 2 लोग फाइनल खेले और उन 2 लोगों में से जिसने वो ट्रॉफी जीती, जिसने वो चैंपियनशिप जीती, जिसने वो पूरा टूर्नामेंट जीता, वो और कोई नहीं, मैं था। लेकिन मैंने उस समय भगवान से नहीं पूछा कि भगवान मैं ही क्यों जीता, मैं ही क्यों ये ट्रॉफी जीता, तो लेकिन फिर अब मैं क्यों कहूँ। जब भगवान ने मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ भरी तब मैंने भगवान से कभी कोई प्रश्न किया, जब अब मेरे जीवन में थोड़ी सी करवाहट के आ गई तो मैं भगवान से कंप्लेंट करूँ। इस प्रकार उसने उस व्यक्ति का जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, हम अपने जीवन में इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई दुर्घटना घटती है, हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर हम कोई भी चीज़ में फेल होते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी को दोष देते रहते हैं, कभी भगवान को, कभी घर परिवार को, कभी दोस्त यारों को, कभी अपनी किस्मत को और कभी ना कभी तो कोई निर्जीव चीज़ों को भी दोष दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम दूसरों को दोष देके अपने संबंध तो ख़राब करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम अपने आप को अंदर से भी ख़राब करते जाते हैं। और दोस्तों, ये आदत हमारे आगे बढ़ने से, हमारे लाइफ में सक्सेस होने में जो बहुत बड़ी रुकावट बनती है और हमें पता भी नहीं चलता। और स्वयं स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, दूसरों को दोष देना छोड़िए और खुद को बदलिए, फिर देखिए दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये आदत छोड़ना, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में और जल्दी ग्रो करना, अपनी ग्रोथ को और स्पीड अप करना, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक, एक सीक्रेट ट्रिक बताना चाहूँगा, खासकर यूथ के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में ये ट्रिक इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ ये आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी। सिर्फ उसके लिए आपको एक नोटबुक और एक पेन चाहिए, एक परमानेंट नोटबुक, एक आपकी पर्सनल डायरी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इन फ्यूचर कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी दुर्घटना घटे, कोई भी फेलियर फेस करना पड़े या किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो, तो उसी दिन वो डायरी पेन उठाइए, उस डायरी में नोट कीजिए उस सिचुएशन के बारे में, उस फेलियर के बारे में, और उसमें से देखिएगा 99% केसेस में हम ही उस सिचुएशन को, उस फेलियर को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस समय हमारा दिमाग नहीं काम करता। तो उस फेलियर को नोट करिए और उसमें अपनी गलती फाइंड करिए, उस गलती को लिखिए, उस गलती को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था वो भी लिखिए और उस गलती में से सीखिए और हमेशा याद रखिए और अपनी लाइफ में आगे।
बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम अपनी लाइफ में और स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जैसी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हैं वैसी ही हमारे प्रति उसकी मानसिकता बन जाती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ग्रोथ और सक्सेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा।